प्रोग्राम है ये ऑक्सफेम इंटरनेशनल के तावन से उनकी सपोर्ट से माली सपोर्ट के साथ द्वाबा फाउंडेशन की ये बजटेड एक्टिविटी है वो कर रहे हैं और इसमें हमारे साथ जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसमें सुजला ऑर्गेनाइजेशन और लोग सांझ के लोग इसमें मतलब हमारे पार्टनर हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم। मेरा नाम अमजद महमूद है और मैं द्वाबा फाउंडेशन से मेरा ताल्लुक़ है और मेरे साथ जो को कंपेयर हैं ये हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन सुजला ऑर्गेनाइजेशन से हैं, ये अपना तारुफ खुद कराएंगे। आप तमाम खवातीन और हज़रात को हम यहाँ पर बेहद खुश आमदीद कहते हैं। आपको जैसे कि हमने पहले भी बताया कि आज का जो सेमिनार है ये चार ऑर्गेनाइजेशंस की कलेबरेशन से एक अंडा किया गया है जिसमें हमारे साथ यहाँ पे ऑक्सफैम नोवे, द्वाबा फाउंडेशन, सोजला फॉर सोशल चेंज और लोक सांस फ्रॉम टूवर्स टेक सिंह से चार ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। خاتم المرسلين اے رسول امین خاتم المرسلين تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पहले सब बीबियाँ भेड़ा नो सारे मेहमान अस्सलाम वालेकुम। मैं नहाके बीबी है मस्ती घलू तंजीम दी मैनेजर आ मैं ते मैं बात करनी है किचन गार्डन सब्जियों के बारे में। घर इच किचन गार्डन पहले असा किचन गार्डन का कम कहना करें दे सारे को द्वाबा फाउंडेशन तंजीम गई है सानू तजर्बा सिखाया है घर सब्जियाँ काश करो। असा घर में सब्जियाँ काश करे ने उनके बचत भी बहुत सारी है तो सेहत वास्ते भी बहुत अच्छी है। जड़िया बाजार सब्जियां गिनते हैं शहर वाले लोग गिनते हैं छिड़काओ मार के बहिया सब्जी होंगे ताज़ा सब्जी तो कहीं नहीं होती जी घर होती है ताज़ा सब्जी होती है ताज़ा सब्जी पट के उन्होंने खाओ सेहत वास्ते भी अच्छी होती है बहुत सारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम कासिम हुसैन है और तमाम खवातीन हज़रात मेरी तरफ अस्सलाम अलैकुम। इस सेमिनार के मौजू के मुनासिब देखा जाए तो ज़रिया अद्वियात के मकबूल इस्तेमाल पर ज़्यादा जोर दिया गया है तो इन हवाले नाल मैं गाल करे सा और सराइकी जबान है क्योंकि सारी सराइकी जबान है और मैं यानी कि छोटे किसान घराने से तलक रखे ना जो सारी एक दो एकड़े ना सुन काश्त करे ने सब्जियाँ जो कोई चीज़ा तो इतने आम हालत दिखे गए कि ज़्यादातर जो पेस्टिसाइड वाले लोग हैं साढ़े देहात में आके ये सारी जो फसल आदि जो खेती बाड़ी सक्रे ने तो उन्होंने ज्यादा तो ज्यादा सारे को स्प्रे कराए मैंने क्योंकि ये स्प्रे कर दो ये कर दो तो ये उनकी एक मेन वजह कि सारे को इलाज नहीं होगी किसान इतने इलम नॉलेज नहीं होता कि ऐसा स्प्रे करनी है क्योंकि मुल्क के दुनिया के वेख्या रहा है तो बड़ी स्प्रे करने वाले या कोई अद्वियात या खाद वगैरह भी इस्तेमाल करेंगे तो उनका तरीकाकार होता है। आज का जो हमारा बेसिकली मकसद है इस सेमिनार के इनका का तो मैं अपने मुख्तलिफ अजलास से आए हुए किसानों और जो उनसे उनकी नुमाइंदगी करते हुए इस प्रोग्राम में एक करारदाद पेश करना चाहूँगा जिसका ये है मतलब कि हम अपने महकमे के नुमाइंदे की हैसियत से मुतल्लकीन के साथ मुतफ़िका तौर पर इस अज़्म का इजहार करते हैं कि हम ज़राई अद्वियात के महफूज इस्तेमाल को फ़रोग़ देंगे और हिफाजत आमा के पेश नज़र हिफाजती इकदाम के लिए हर मुमकिन तौर पर सहलकारी करेंगे। सब तो पहली बड़ी खुशी मैं ये है कि जरा जेंडर बैलेंस और खसूसी तौर से जरिया औरतों की ट्रेनिंग हो रही है ये बहुत ही अच्छा है।
क्योंकि जिस गड्डी दे सारे पहिए एक जैसे हों या चलते हों या सोच रखते हों उत्थे बेहतरी के चांस ज़्यादा होंगे। हमारी असी हमेशा कोशिश करते हैं कि अगर एक साइड वाला जिम्मेदार है या एक अच्छी सोच बूझ रखने वाला या चलन फिरने वाला बंदा वो पैदावार अगर बेहतर आती है तो वो नाल वाले साथी में सोचना चाहिए कि वो पैदावार घट क्यों है, वो वजूहत की है। सबसे बड़ा फार्मर का तमाम मैंने तकरीबन मुल्तान में फॉर द टाइम बीइंग सबसे बड़ा खवातीन का फर्स्ट फ्लोर पर इज्तम देखे। बहुत अप्रिशिएटेड है इंतजामिया का ये इकदाम कि फार्मर कम्युनिटी के लोगों को खसूस खवातीन को एक जगह पे इकट्ठा किया है। और ज़ाहिर है कि इतना आसान काम नहीं है, काफ़ी तरद्दुद किया होगा मैनेजमेंट ने आप लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करने का। आप लोगों की व्यू पॉइंट्स को बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की रेजोल्यूशन एक हमारे भाई ने पेश की है। हम आप लोगों की गैदरिंग को एक फार्मर असम्बली से कम नहीं लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सेमिनार फसलों पे पेस्टिसाइड के सेफ इस्तेमाल के बारे में है, तो बहुत से बातें हुई। मैं अपने टॉपिक पे आने से पहले थोड़ा सा मुख्तसर इसकी इम्पॉर्टेंस पे जिक्र करूँगा। ज़रात मुल्की मीशत में का एक अहम सेक्टर है जिसमें जो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी जितनी भी आम तौर पे इस्तेमाल होती है टर्न, उसमें 21% हिस्सा ज़रात का है और 45% अफरादी कुवत ज़रात से ही व्यवस्था है और कौमी पैदावार में 70% हिस्सा पंजाब का है। और बिलखसूस दुआबा के जो हमारे सेमिनार जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है उनका मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बताना चाहूँगा, इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एग्रीकल्चर के हवाले से जो उनके इकदाम हैं वो कर रहे हैं। ब्रीफली आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, तकरीबन 65% आबादी किसी ना किसी तरह ज़रात से मुंसलिक है। हमारी मईशत में ज़रात एक अहम सतून की हैसियत रखती है, किसानों की मेहनत हुकूमती पॉलिसियों का समर है कि ज़रूरी पैदावार में खातिर खा इजाफा हुआ है। हुकूमत पंजाब किसानों की फलाह बहबूद के लिए अमली इकदाम करने के साथ साथ इन्हें रिकॉर्ड सहूलतें भी फराहम कर रही है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत किसान दोस्त हुकूमत है और काश्तकारों की फलाह और मफादात के तहफ़ की पॉलिसी पर अमल पैरा है। दुआबा सोजला और लोक सांझ फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम नेशनल सेमिनार के अहम मौजूदात पर सेमिनार का इनेकाद लाइक तहसीन काविश है और मुझे सेमिनार में शिरकत पर खुशी महसूस हो रही है। असा एक मकसद वास्ते इकट्ठे थे और इस मकसद वास्ते एक सीटन या एक डिस्कशन काफ़ी नहीं। इस मकसद वास्ते असं बार बार मिलूँ और जी करारदाद पेश की किसानों की तरफों मैं बहुत खुश थी उस करारदाद को लेकर और राणा साहब ने भी उन्होंने एप्रीशिएट किया। मैं राणा साहब ने रिक्वेस्ट करें सा कि जरूर इसको असम्बली के शेयर करें और इसके अमलनामा की नोटिस तैयार करवाएं। इसी तरीके मैं रिक्वेस्ट कर सा तमाम किसानों को कि करारदाद सिर्फ कागज हद तक ना हो, उन्होंने अमल दरामद भी हो। क्या सारे सिर दर्द पेट से दर्द की गोली तो नहीं लगनी ना, असा सिर से दर्द ही लगनी है और कितनी मिकदार एक लगनी है या दो लगनी है तो मिकदार को असा सामने रखना है और जी दवाई जो स्प्रे सू जरूरत है असा वो ही इस्तेमाल करो। काली रात मुकावण सौगे कट्ठे थे सब यार, काली रात मुकावण सौगे कट्ठे थे सब यार, सोच शऊर ते चानण कीते करण सोच विचार, काली रात का पैंढा मुकसी सुख दा चानण थीसी, धरती को महताब बनेसी सोझला हुण चौधार। आज के सेमिनार के हवाले से बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारे दोस्तों ने गुफ्तगू भी की और ख़ास करके
हम जो कहते हैं कि इस सारी चीज़ों को पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाए, गवर्नमेंट की पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाए, तो हमारे पार्लियामानी सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे, तो ये एक अच्छा हो गया हम सब के लिए भी और जितने भी जहाँ पे छोटे बड़े किसान बैठे हैं उन तमाम के लिए बहुत अच्छा हुआ कि पार्लियामानी सेक्रेटरी के होते हुए जो हमारे दोस्त किसानों ने एक करारदाद पेश की और उस पर उम्मीद करते हैं कि वो असम्बली के अंदर जाके बातचीत करेंगे और इस इशू को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सात बहन भाइयों को सलाम। मैं एक ये आखना चाहती हूँ कि स्प्रे के बारे से खाद के बारे भाई आदि दुआब फंडीशन वाले तो स्वयं वाले मैं एक बार बनवा के डाए सब्जी के बिके कोई कोई बूटा आए सारे पता है कि खेल पतली पतली होगी सब्जियों की कद्दू करेले की तो चौन वेले वेले सत्त अठ फुट के पौधे थी गए तो उनका फल केर आए सानू तबीयत करवाई है देसी खाद के बारे भाई पहले स्प्रे करना है गुड़ का 2 किलो गुड़ वे एक एकड़ होते 4 इंच बढ़ाते स्प्रे करना 8वें दिहाड़े कॉटन में तो स्प्रे। मेरा नाम मोहम्मद यकूब है और मैं तंजीम शाहवर का सदर हूँ और द्वाबा फाउंडेशन वाले बहुत काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी मुझे खुशी हो रही है, पहले तो मैं नहीं आ रहा था लेकिन जब हमारे गांव की एक औरत आई है और यही मेरा मकसद है कि हर औरत हर मर्द की आवाज़ गूंजे, जब तक हम बोलेंगे नहीं हम अपना माटो कैसे बयान कर सकते हैं। मेरा नाम कौशर भाई है, मैं बस्ती डाल अपनी तंजीम की नायब सदर हूँ। मैं बात ये करना चाहनी हाँ भी अगले दिहाड़े उत्ते मीटिंग हुई है उत्ते ने एक डॉक्टर साहब ने कहा भाई जड़ा है बीज है गवर्नमेंट का अगर वो जड़ा ना बीजे सी उस नू जड़ा है ना भाई घर का बीजे सी तो उन्होंने 6 महीने सजा ते 50,000 जुर्माना दिता हुआ। आप तमाम लोगों की आमद का बेहद शुक्रिया और खाना रेडी है, ऑलमोस्ट रेडी है, हम आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करवाते, आपको हम लोगों से गुजारिश है कि लंच आप लोग लीजिए।